जरा एड्रेस बताए अपने चांद के ऊपर जो प्लॉट है आपका। सी ऑफ वेपर्स, सी ऑफ वेपर्स कहते हैं सोसाइटी का, तो उसके ऊपर हमारा प्लॉट। शान सिंह का प्लॉट था, वो था सी ऑफ मस्कोवी पे। अच्छा। तो उसके बाद खरीदा है शाहरुख खान ने, वो था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे। अच्छा। तो हमारा प्लॉट है सी ऑफ वेपर्स। देखिए इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने वहाँ पे लिए, यूएस के 3 प्रेसिडेंट इसमें शामिल है जिन्होंने वहाँ पे ओन करते हैं इसी इंटरनेशनल लैंड रजिस्ट्री से जिन्होंने बाय की है वो जमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, एनपीजी मीडिया के साथ मैं हूं रोमान मकसूद और मेरे साथ है आज वो कपल जो कि पाकिस्तान का पहला कपल है और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इतना नाम कमाया है, कुछ ऐसा काम किया है इस कपल के सरबरा ने, यानी इस फैमिली के सरबरा जो कि डॉक्टर सुहेब हैं, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने पहला पाकिस्तानी होने का एजाज हासिल किया है कि उन्होंने चांद पे जमीन खरीदी है अपनी वाइफ के लिए और उनको तोहफा दिया है। और सुहेब ना सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि इनकी वाइफ भी एक डॉक्टर हैं और दोनों छोटी सी फैमिली है और अपने छोटे से घर के अंदर छोटी छोटी खुशियों के साथ ये लोग खुश रहते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया है जो दुनिया में इनका नाम जो है वो हुआ है। वो काम ये है कि उन्होंने जिस तरह से पूरी दुनिया में इस वक्त देखा जा रहा है कि चांद पे ज़मीन खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो सुहेब वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने चांद के ऊपर ज़मीन खरीद के अपनी वाइफ को गिफ्ट की है। तो सुहेब से हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें करने के साथ साथ इनके साथ अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे मुतल्लिक भी बातचीत करेंगे। सुहेब ये बताइएगा कि कैसे ख्याल आया कि चांद के ऊपर ज़मीन खरीदी जाए और अपनी वाइफ को गिफ्ट की जाए, क्या और कोई चीज़ नहीं थी यार गिफ्ट करने के लिए? लोग कहते हैं जी तारे तोड़ के ला देंगे और चांद जो है वो तोड़ के ला दो, वाइफ जो अक्सर कहती हैं ख़वातीन कि अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो तारे तोड़ के ला दो, चांद का टुकड़ा तोड़ के ला दो, तो आपने कैसे ख्याल आया आपको कि चांद पे जमीन खरीदी जाए अपनी वाइफ के लिए? बिल्कुल, ये मेरी वाइफ का ही ख्याल था। ये एक दिन आर्टिकल एक पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि इस तरह से लोग चांद पे भी जमीन खरीद सकते हैं, तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं मेरे लिए। तो फिर मैंने उसके बाद थोड़ा रिसर्च शुरू किया और फाइनली मैंने जो है एक रास्ता ढूंढ लिया और इनके लिए चांद पे जमीन ली। कैसे रास्ता ढूंढा? एक्चुअली एक एक्टर थे सुशांत सिंह, उनकी डेथ की न्यूज़ आई थी तो उस पर फिर पता चला कि वो इंडिया के फर्स्ट बंदे हैं जिन्होंने चांद पे ज़मीन वो ऑन करते हैं ना, तो उसके बाद मैंने उनका इंस्टा चेक किया और वहाँ पोस्ट थी और फिर मैंने उस कंपनी से कांटेक्ट किया कि मैं भी अपनी वाइफ खरीद लेना चाहता हूँ, तो उस कंपनी का कहा यू आर वेलकम, आप भी खरीद सकते हैं। तो मैंने फिर उनके लिए एक एकड़ का वहाँ प्लॉट बुक कर लिया। एक एकड़ का प्लॉट? बिल्कुल, एक एकड़ का प्लॉट बुक किया इनके लिए और अलहमदिल्ला 2-3 माह बाद उसके डॉक्यूमेंट्स मिल गए और इनको गिफ्ट कर दिया। इनकी वाइफ से भी बात करेंगे। ये बताइएगा भाभी कि जब इसने चांद पे जमीन खरीदी डॉक्टर सुहेब ने तो कैसा लगा आपको, आपके लिए गिफ्ट ये कैसा गिफ्ट था कि दुनिया तो ये सोचती है कि लोग घरों के लिए सोचते हैं, गाड़ी लेके देते हैं अपनी वाइफ को, कपड़ों का जोड़ा भी लेते तो बहुत खुश होते हैं, चांद पे जमीन खरीदी आपके लिए? जी पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने सिर्फ विश ही किया था और इन्होंने तो पूरा ही कर दिया मेरी विश को और चांद जैसी चीज़ को मेरे लिए खरीद दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और घर में वैसे ज़मीन पे भी इन्होंने मुझे घर लेके दिया हुआ है सर, तो अब माशाल्लाह से इन्होंने चांद भी मुझे ले दिया। अच्छा ये बताएं भाभी के जब चांद आपको यकीन कैसे आया कि डॉक्टर सुहेब ने आपके लिए चांद पे ज़मीन खरीदी है? मैं तो बस एक आर्टिकल पढ़ी थी और मैंने मुझे पता चला, मैंने विश किया, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है, तो इन्होंने कहा कि शायद होता होगा, तो जब इन्होंने बताया कि मैंने आपके लिए प्लॉट ले लिया है तो मैंने कहा शायद मजाक कर रहे हैं ना ये, तो जब इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिखाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई इन्होंने इतना अनमोल तोहफा दिया। मुझे लग तो नहीं रहा था कि डॉक्टर सुहेब मजाक कर रहे हैं आपके साथ, वैसे चेक किया था आपके बाद में? मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात कि भाभी कहाँ से हैं, वो कहाँ जाएंगी वहाँ चांद को देखने के लिए और अपनी जमीन देखने के लिए? वहाँ पे कोई तरीका है उसको देखने का, कोई नक्शा वगैरह, कोई चीज, कोई प्लॉट नंबर? उसके साथ ना सैटेलाइट फोटो भी उस कंपनी ने एक हमें सेंड की है, उसके साथ उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हुए हैं, तो जब उसको हम एक टेलीस्कोप में डालते हैं तो कहा जाता है कि अगर मौसम साफ हो तो आप अपनी डिमार्केशन देख सकते हैं। अच्छा। आप अपनी स्क्रीन पे भी वो चलाएं साथ, तो वो डिमार्केशन और सब कुछ मेंशन है वहाँ। ठीक है, आपको दिखाएंगे सारी चीजें?
नहीं अभी टेलीस्कोप पाकिस्तान में नहीं है, अभी हम देख रहे हैं कि टेलीस्कोप कहीं से अरेंज हो जाए तो इनको दिखाऊंगा। तो वो फवाद चौधरी साहब ने तो बनाई नहीं है कोई चीज़ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो इस्लामाबाद जो उन्होंने ओपन किया है यहाँ पे वो चांद देखने के लिए, तो हम वहाँ पे जाके एक ट्राइव कर कर आएंगे। अच्छा, हमें अभी रिसेंटली पता चला कि काम हो रहा है, तो मैंने से कहा था हम जरूर जाएंगे। जरा एड्रेस बताए अपने चांद के ऊपर जो प्लॉट है आपका। सी ऑफ वेपर्स कहते हैं सोसाइटी को, तो उसके ऊपर हमारा प्लॉट है। कितनी सोसाइटियां बनी हुई वैसे चांद के ऊपर, जितनी आपने रिसर्च की हुई है? 14 सोसाइटी, 14 सोसाइटियां। उसके ऊपर जो था सुशांत सिंह का प्लॉट था वो था सी ऑफ मस्कोवी पे। अच्छा। उसके बाद खरीदा है शाहरुख खान ने, वो था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे। अच्छा। तो हमारा प्लॉट है सी ऑफ वेपर्स पे। सी ऑफ वेपर्स पे, सी ऑफ वेपर्स पे कितने प्लॉट्स हैं? सी ऑफ वेपर्स पे टोटल एकड़ का प्लॉट है, उसपे क्या क्या बनाएंगे? तो वैसे आपने किस चीज में डॉक्टर आप किस चीज में बनी है? मैंने एमफिल किया है अभी रिसेंटली। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ज़हनी अमराज पे डॉक्टर्स होते हैं जो। अच्छा, तो आपने पहले नफ्सियात पढ़ी थी वैसे की जब इन्होंने चांद के लिए कोशिश कर रहे थे? जी बिल्कुल, मैंने तो फौरन से मैंने कहा ये बंदा लेके दे सकते हैं इनसे ना विश किया जा सकता है, इनसे डिमांड की जा सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरी भी की है। अच्छा, कितनी उम्र आपकी रोसे? 23 इयर्स। शादी किस उम्र में थी? 22 में आपने शादी की, और 23 इयर्स जो है ना वो अब आपकी एज हो चुकी है, यानी एक साल के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी खुशियाँ जो है वो आपस में बांट ली है। तो कैसा लग रहा है लाइफ का ये सफर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत हसीन गुजर दूसरे के साथ, और हम लोग मतलब बहुत प्यार से और एक दूसरे की बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो मेरी बात को इम्पोर्टेंस देती है, उनकी बात को इम्पोर्टेंस देती है, और बड़े अच्छे। हमें तो ये बहुत मैरिड लाइफ हमारी बहुत अच्छी जा रही है, तो ये तो फिलहाल बहुत मजे का पीरियड जा रहा है। मेरे अभी भी दो कट्टे झगड़े होते हैं, तो अभी फिलहाल मतलब तो कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, ये बताया डॉक्टर साहब, क्या अक्सर जब आप लोग जाते हैं, लोग तो वैसे बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे क्योंकि पहला पाकिस्तानी कपल है जिन्होंने चांद के ऊपर जमीन ली है, तो लोग क्या कहते होंगे कि आपकी वाइफ का कोई एलियन तो नहीं है जिन्हें चांद पे जमीन लेने का शौक है, या आप एलियन है जो आपको चांद पे ख्याल आया? नहीं, एक तो ऐसे कुछ लोगों ने बोला था, लेकिन मैंने उनको बताया कि इनको एलियंस का इलाज करने का शौक है, वहाँ जाके एलियंस का इलाज करेंगे। पूछ रहे थे आप ये नहीं बनाएंगे तो आप किनका वहाँ पे इलाज करेंगे, तो मैंने कहा था एलियंस मिल ही जाएंगे जहाँ, जब जमीन पे इंसान मिल सकता है तो चांद पे एलियन तो एलियंस ढूंढेंगे। एक साल तो हो गया वैसे आप लोगों को ये, मेरा ख्याल एक साल होने वाला है चांद पे जमीन खरीदने में, तो किन किन चीजों के ऊपर साथ साथ रिसर्च करने का शौक पैदा होता है आपको और आपकी वाइफ को? बिल्कुल, हम ऐसी जो भी कोई न्यूज गुजरती है कि स्पेस में ये हुआ है, इलॉन मस्क ये कर रहे हैं, और आफ्ताब इकबाल ने अपने प्रोग्राम में बताया कि वहाँ पे एक रिजॉर्ट बन रहा है और वहाँ पे लोग जा सकेंगे, $9 million का खर्चा होगा 2 हफ्ते के लिए। अच्छा। और वहाँ पे आलू भी उग चुके हैं और इस तरह की चीज, तो इस तरह की रिसर्च जो होती है हम लोग उसमें मतलब कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है, और खुद भी ट्राई करते रहते हैं कुछ ना कुछ हमें पता चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं यकीन कैसे आता है कि वहाँ पे प्लॉट है आपका? अक्सर जगहों पे आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तो बहुत जगह ऐसी जहाँ पे कब्जे हो जाते हैं और पता नहीं चलता कि लोग जमीन खरीदते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो जमीन तो किसी और की थी या इस पर कब्जा हो चुका है, तो कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर करने हैं, देख रहे हैं कि हमारी जमीन हमारी है या नहीं है? एक पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तानी वो चांद है वहाँ पे, और दूसरी बात ये है कि अब देखिए इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने वहाँ पे लिया, US के 3 प्रेसिडेंट इसमें शामिल हैं जिन्होंने वो वहाँ पे ऑन करते हैं इसी इंटरनेशनल लैंड रजिस्ट्री से जिन्होंने बाय की है वो जमीन, हॉस्पिटल बनाएंगे अपना घर बनाएंगे और चीजें भी बहुत सारी सोची होंगी, तो उसकी हिफाजत किस तरह से करने का सोचा है उसको? अभी तो इतने ज्यादा लोग नहीं होंगे, इतने सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग
मुझे एक दूसरे की चाहिए लेकिन हम लोग ये वैसे डीएचए और बैरियर टाउन वाले अगर कांटेक्ट करते हैं कि हमें इसमें से प्लॉट चाहिए आपके, तो वैसे आपको पता है ना तो अक्सर कांटेक्ट करते हैं तो देंगे उनको प्लॉट। नहीं अपना प्लॉट नहीं लेंगे, उनको कहेंगे कि आप अलग से सोसाइटी बना ले, वहां जाए हम आ सकते हैं लेकिन हम अपना प्लॉट नहीं दे सकते, अपना प्लॉट नहीं दे सकते। अच्छा ये बताएं कि आप थोड़ा सा ये हम आपको पूछना चाहेंगे आपसे, लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर लेना चाहे प्लॉट तो कैसे ले सकते हैं वो प्लॉट, और अगर खरीदना चाहे तो कितने का वो प्लॉट मिलता है, क्योंकि मैंने एक जगह सुना था आप ही के अल्फाज थे कि वो प्लॉट जो है वो महंगे होते जा रहे हैं और अगर चेंज करना चाहे तो लोग चेंज कर सकते हैं। ये वेबसाइट है इंटरनेशनल ल्यूनर लैंड रजिस्ट्री, यूएसए की वेबसाइट है। अब इसमें जाएं तो इसकी सारी सोसाइटीज वहाँ पे मेंशन होती हैं, हर सोसाइटी के अपने लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट रेट्स हैं। तो आई थिंक ये $45 से स्टार्ट होकर $250 तक वेरी करता है। और इसमें यह है कि जब भी जैसे 14 सोसाइटीज हैं तो वो जो वेबसाइट है वो अपनी सोसाइटी कुछ न्यू लॉन्च करती हैं, तो अगली सोसाइटी का रेट जो है कम होता है, पिछली सोसाइटी का बढ़ जाता है इस तरह से। तो अभी ये वाला प्लॉट भी जो $5-$10 है इसमें फ्लक्चुएशन आ चुकी है, तो इस तरह से लोग उनकी वापस उनको करके तो अपने प्लॉट दूसरी सोसाइटी में भी चेंज कर सकते। तो भाभी आपको कहती है कि प्लॉट चेंज कर ले, अब प्लॉट बढ़ते जा रहे हैं, ये चेंज ना करें एक और ले लेते हैं, ये बल्कि कहीं मार्स पे लेते हैं, इलॉन मस्क की कॉलोनी में लेते हैं, मार्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कब वैसे प्रोग्राम है आपका वहाँ जाके देखने का अपना प्लॉट और अपनी जगह? हमने जो सुना था कि 2025 में कोई इनका प्रोजेक्ट जाएगा यूएस का ना, इलॉन मस्क के साथ, नासा के साथ, स्पेस एक्स के साथ इनका कोलैबोरेशन है, तो अगर उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे नाम है तो हम जरूर जाएंगे। 2025 में इन्होंने प्लान किया जी कि अपना प्लॉट देखने जाएंगे और वहां पर जो जो प्लान करेंगे वो भी इन्होंने आपको बता दिया कि वहाँ जो जो चीज़ें इन्होंने बनानी है, अपना एक तो हॉस्पिटल बनाना है, भाभी की ख्वाहिश है कि वहाँ पर हॉस्पिटल बनाएंगे, और डॉक्टर सुहेब की ख्वाहिश है कि अच्छा सा घर बनाएंगे, और अपना जो एरिया है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में आप भी आपको बताया, और प्लॉट किस तरह से खरीदा जा सकता है जिस तरह से उन्होंने बताया कि $45 से $250 तक आप ल्यूनर लैंड से इंटरनेशनल ल्यूनर लैंड रजिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ से आप कर सकते हैं उसकी वेबसाइट से, और जो प्लॉट्स हैं वो बड़ी तेजी से वैसे निकल रहे हैं मेरे ख्याल में, तो रोकती हुई रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रही है। हमारे प्लॉट लेने के बाद आई थिंक हमने काफी लोगों के बुक किए थे। अच्छा। उसके बाद भी हम लोगों इंस्टा पे काफी मैसेजेस आते हैं कि हम लोग लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे मेरा ख्याल है 200-250 लोग। तो सर आप रियल एस्टेट का काम शुरू कर दें, चांद चांद पे जमीन बेचनी शुरू कर दें आप भी। बिल्कुल, मैंने यही सोचा था कि काफी सारे टैक्स थे लेकिन मैंने एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे दिया, सबको बता दिया, लोग खुद ही बाय कर लें। कितनी अच्छी बात है, देखिए डॉक्टर सुहेब ने फायदा नहीं उठाया इस चीज से, जो लोग लेना चाह रहे हैं उनकी बाकायदा मदद की है उन्होंने और हर जरिए से लोगों की हेल्प की है कि अगर कोई प्लॉट लेना चाहता है वहां पर चांद पे तो वो ले सकता है, और इनकी हेल्प भी हर वक्त ही है, करने को तैयार है। तो वहां पर आप देखें कि शाहरुख खान ने प्लॉट लिया है और बहुत सारी ऐसी बड़ी शख्सियात हैं अमेरिका के, जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने भी अपने प्लॉट वहां पर लिए, तो आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पहली ये फैमिली है, पहला कपल है जिन्होंने चांद पर प्लॉट लिया है और पूरी दुनिया में इनका नाम अब सामने आ रहा है बतौर एक मून कपल के नाम से। तो कोई सवाल पूछना चाहें आप डॉक्टर सुहेब से, इनकी वाइफ से, चांद से मुतल्लिक कुछ जानना चाहें, चांद के ऊपर अगर आपने ज़मीन लेनी है उससे मुतल्लिक कोई मालूमात लेना चाहते हो तो ज़रूर इनकी हेल्प ले सकते हैं। NPG मीडिया पर जाकर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इनके लिए, NPG मीडिया इन तक पहुँचेगा और आपके सवालात के जवाब मजीद इनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी इससे मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले किसी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।